शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक, खासकर पन्नियों और पानी की बोतलों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने की दिशा में अहम फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चरमबद्ध तरीके से बंद करने की सलाह दी है। केंद्र ने कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक देश के 4,704 में से 2,591 शहरी स्थानीय निकायों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पहले से प्रतिबंधित यानी कि बैन कर रखा है। ऐसे में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर ये सुनिश्चित करें कि बाकी बचे 2100 से अधिक निकाय भी 30 जून 2022 तक हर हाल में प्रतिबंधित कर दिए जाएं। वहीं सरकारी एडवाइजरी में पर्यावरण बचाने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता के तहत केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून तक जिन आदेशों को पूरा करने के लिए कई गतिविधियां शुरू करने को कहा गया है। इनमें से खासकर प्लास्टिक की पन्नी और पानी की बोतल वाले कचरे की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर सफाई और प्लॉगिंग अभियान चलाने को कहा गया है। बता दें कि फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध और SUP का अमूल्यन भी शामिल है। वहीं केंद्र की एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सफाई के काम में तेज़ी के लिए ULB को SUP यानी कि हॉटस्पॉट की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने की ज़रूरत होगी। इस सलाह में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई का लाभ उठाने के साथ कुछ और विशेष प्रवर्तन दस्तों का गठन करने को कहा गया है। इसी तरह लक्ष्य को पूरा करने के लिए एजेंसियों को औचक निरीक्षण बढ़ाने को कहा गया है। इसी तरह SUP प्रतिबंधों को लागू करने के लिए गलती करने वालों पर भारी जुर्माना यानी कठोर अर्थदंड लगाने की सलाह दी गई है। वहीं गौरतलब है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध यानी कि संशोधन नियम 2021 के मुताबिक 75 माइक्रोन यानी कि 0.075 मिलीमीटर मोटाई से कम के प्लास्टिक से बैन, कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और किसी भी तरह के उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की वजह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। संगठन सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।